दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 11 से 14 जून तक होने वाली संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई। 11 जून को बीकॉम एवं एलएलबी 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय में बने परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 11 से 14 जून तक होने वाली संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा के 4 चरणों में सम्पन्न होगी। पहले चरण में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2 सत्रों में 11 जून को प्रातः 9 से 11:30 बजे तक परिसर के 11 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5350 अभ्यर्थी बीकॉम प्रवेश के लिए परीक्षा दिए और अपराह्न 2 बजे से द्वितीय सत्र में बीए एलएलबी 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में 973 अभ्यर्थी परिसर के 2 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। विश्वविद्यालय तथा संबद्ध विद्यालयों में बीए बीकॉम बीएससी गणित जीव विज्ञान कृषि गृह विज्ञान एमएलटी फिजियोथेरेपी नर्सिंग बीए एलएलबी बीसी ये तथा बीबीए में प्रवेश के लिए परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हाँ ये 300 बच्चे हैं करेंगे।